वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी कुल में। आज है 12 मई 2022 और आज के दिन से करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं फैक्ट बताऊंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखेगा। और वीडियो के लास्ट में मैंने क्वेश्चन पूछा है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 11 मई को। अभी 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया है। हाल ही में किसे अप्रैल महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? तो ऑप्शन सी एलिसा हेली और केशव महाराज, इन दोनों को अप्रैल महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। आप इस इमेज में देखिए, इन दोनों को अप्रैल महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। हाल ही में भारत के पहले बायोगैस संचालित ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मुंबई। अभी मुंबई में भारत के पहले बायोगैस संचालित ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है। अब आई मुंबई, तो मुंबई मुंबई किस स्टेट की राजधानी है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो इस क्वेश्चन से आप इतनी जानकारी याद रखिएगा। हाल ही में 8,000 मीटर से अधिक की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रियंका मोहित। प्रियंका मोहित हाल ही में 8,000 मीटर से अधिक की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी है। आप इस इमेज में देखिए, ये है प्रियंका मोहित। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का उद्घाटन किया है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के गवर्नर मंजू भाई पटेल। तो आपको इस वीडियो से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। हाल ही में पंडित शिव कुमार का निधन हो गया, वह कौन थे? तो ऑप्शन ए संतूर वादक। पंडित शिव कुमार का निधन हो गया है, ये एक संतूर वादक थे। आप इस इमेज में देखिए, ये हैं पंडित शिव कुमार जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में किस राज्य का पोमई नागा क्षेत्र ड्रग फ्री जोन घोषित हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मणिपुर। मणिपुर का पोमई नागा क्षेत्र अभी ड्रग फ्री जोन घोषित हुआ है। मणिपुर, मणिपुर का कैपिटल इम्फार, मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह, मणिपुर के गवर्नर ला गणेशन। आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो आपको इस क्वेश्चन से इतने सारे फैक्ट याद रखने हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ साथ नाश्ता देने की घोषणा की है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन बी तमिलनाडु। तमिलनाडु की सरकार ने सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ साथ नाश्ता देने की घोषणा की है। तमिलनाडु, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई, तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन, तमिलनाडु के गवर्नर आर एन रवि। आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। हाल ही में डी कुकेश ने सनवे फॉर्मेंटेरा ओपन 2022 के किस गेम में टूर्नामेंट जीता है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन सी शतरंज। शतरंज के गेम में डी कुकेश ने सनवे फॉर्मेंटेरा ओपन 2022 का टूर्नामेंट जीता है। आप इस इमेज में देखिए, ये हैं डी कुकेश। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए श्रीलंका। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। तो श्रीलंका, श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो, ये कमर्शियल कैपिटल है, और श्री जयवर्धने पुरम कोट्टे, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोतबाया राजपक्षे। आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, आपको ये सारी जानकारी याद रखनी है। अब कल की वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का जवाब। हाल ही में किसे यूएई T20 लीग की फ्रेंचाइजी मिली है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अडानी ग्रुप को। अभी अडानी ग्रुप को
यूएई T20 लीग की फ्रेंचाइजी मिली है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, हाल ही में किसे TVS कंपनी का प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।